नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हम पद्य पढ़ रहे हैं यह बाणभट्ट विरचित कादंबरी का है। और बाणभट्ट जो विरचित कादंबरी है एक कथा है विद्यार्थियों, और ये जो कथा है वह तीन भागों में विरचित है। और तीन भाग कौन से हैं? एक तो है कथा मुख, दूसरा है पूर्वार्ध और तीसरा है उत्तरार्ध। अब देखिए इस पूर्वार्ध भाग में क्या होता है कि एक राजा है तारापीड और उनके पुत्र का नाम है चंद्रापीड। और राजा तारापीड जो है उनके पुत्र का नाम चंद्रापीड है। तो वह जो चंद्रापीड है वह बहुत अच्छे गुणों वाला और अत्यंत विनम्र व्यक्ति है। उसी राजा तारापीड के एक मंत्री हैं जिसका नाम है सुकनास। एक बार क्या होता है, राजा तारापीड की यह इच्छा होती है कि इसको सुकनास को युवराज बना दिया जाए। और युवराज बना दिया जाए तो तभी क्या होता है, एक बार चंद्रापीड मंत्री सुकनास के दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं तो जो सुकनास हैं वह उस चंद्रापीड को अत्यंत विनम्र बनाने के लिए कुछ उपदेश देते हैं। और ये जो व्यवहारिक उपदेश हैं, ये व्यवहारिक उपदेश ऐसे हैं जो राजाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि जो राजा लोग होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, युवावस्था में व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, गुरु का उपदेश कैसा होता है, ये सब इन सब चीजों का वर्णन करते हुए सुकनास ने राजा को सॉरी चंद्रापीड को उपदेश दिए। और ये जो उपदेश हैं वे क्या कहलाए, सुकनासोपदेश। अब जो वर्तमान में हमारा ये जो गद्य का अंश है, ये जो गद्य का अंश है इसमें जो वर्णन किया है चंद्रापीड ने सॉरी सुकनास ने, वह क्या किया है, राजाओं के जो अवगुण होते हैं, राजाओं में क्या क्या अवगुण हो सकते हैं और राजा कैसे कैसे अवगुणों से युक्त होते हैं और क्या समझते हैं अपने गुण को भी देखिए कि अपरे तु स्वार्थ निष्पादन परय, कि अपरे तु यानी अपर कहते हैं दूसरे, कि अपरे तु के दूसरे तो स्वार्थ निष्पादन परय, कि स्वार्थ निष्पादन कहते हैं स्वार्थ को पूरा करने में, परय माने दूसरों के द्वारा, धन पिसित ग्रास ग्रद्रय, कि धन रूपी जो मांस को खाने वाले गिद्धों के द्वारा, गिद्धों के द्वारा, आस्थान नलिनी वकय, कि जो कमलनियों के वन में बगलों के द्वारा, द्योतम विनोद इति, कि जो द्योत होता है, द्योत कहते हैं जुए को, वह विनोद कहलाता है। देखिए क्या कहते हैं, केवल अपने ही प्रयोजन को पूरा करने के फेर में रहने वाले संपत्ति रूपी मांस को खाने में, गिद्ध के समान राजसभा रूपी कमल वन में, बगुले के समान बने हुए धूर्त लोग कुछ राजाओं को इस प्रकार से समझते हैं। क्या बताया कि अपरे तो कि दूसरे तो स्वार्थ निष्पादन परय, कि स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए धन पिसित ग्रास ग्रद्दय, कि जो धन रूपी मांस को खाने के लिए जो गिद्ध हैं, और आस्थान नलनी बकय, कि जो कमलनी जो सभा भवन, आस्थान कहते हैं सभा भवन को, कि सभा भवन में भवन रूपी कमलनी के वन में जो बगुले बने हुए हैं, द्योतम विनोदिति, वे जो राजा का जो अवगुण होता है उस अवगुण को भी क्या बता देते हैं, गुण बता देते हैं। क्या कह रहे हैं सुकनास, क्योंकि वह जो चंद्रापीड है वह राजा बनने वाला है, युवराज बनने वाला है, तो उन्होंने बताया कि राजसभा में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर के ऐसा प्रतीत नहीं होता है और वे अपना स्वार्थ ही पूरा करना चाहते हैं, उनका हर लक्ष्य ये होता है कि वे अपना स्वार्थ पूरा करेंगे, और इसलिए क्या करते हैं, वे राजाओं के अवगुणों को गुणों में बदल देते हैं। क्या करते हैं कि राजाओं के जो अवगुण होते हैं उन राजाओं के अवगुणों को गुणों में बदल देते हैं। कैसे, देखिए द्योतम विनोदिति, कि जो द्योत होता है, द्योत कहते हैं जुए को,
तो क्या कहा? द्योतम विनोद इति, कि जब राजा द्यूत अर्थात जुआ खेलता है, क्योंकि जुआ खेलना बुरी आदत है, जुआ एक अवगुण है जुआ खेलना, तो क्या कहते हैं? द्योतम विनोद इति, कि जब वे जुआ खेलते हैं राजा लोग, तो जो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं व्यक्ति जो राजसभा में विद्यमान रहते हैं, वे क्या कहते हैं? विनोद इति। क्या कहते हैं? द्योतम विनोद इति, कि अगर राजा जुआ खेल रहा है तो वो क्या कहेंगे? राजा तो मनोरंजन कर रहा है। क्या कहा? द्योतम विनोदिते, कि राजा का जो अवगुण होता है जुआ खेलना, उसको वो क्या कह देते हैं? कि महाराज तो मनोरंजन कर रहे हैं। जबकि जुआ खेलना क्या होता है? अत्यंत बुरा कार्य माना जाता है, बुरी आदत मानी जाती है, लेकिन वे जुए को भी क्या कह देते हैं? आनंद, मनोरंजन। और दूसरा कहा, पर दारा अधिगनम अभिगमनम वैदग्ध्यम इति, कि पर दारा दूसरे की पत्नी के साथ अभिगमन करना, क्या कहते हैं? कि पर दारा अभिगमनम, कि दूसरे की पत्नी के साथ अभिगमन करना वैदग्ध्यम इति, कि अगर महाराज जो राजा है वह अगर दूसरे की स्त्री से अभिगमन करता है, दूसरे की स्त्री के संपर्क में आता है, तो जो व्यक्ति वहां पर विद्यमान रहते हैं वे क्या कह देते हैं? कि महाराज कि ये तो विदग्धता है, चतुराई है। जबकि पर स्त्री के दर्शन भी भारत में अनुचित माने जाते हैं, किंतु वे जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जो लोग अगर राजा दूसरे पराई स्त्री के साथ अभिगमन करता है, तो वो क्या कहते हैं? वैदग्ध्यमिति, महाराज क्या है, ये तो महाराज की चतुराई है। और फिर देखिए मृगया श्रमिति, मृगया श्रमिति, जो मृगया होती है, मृगया कहते हैं शिकार को, तो मृगया श्रमिति, मृगयम जो मृगया होती है, जो शिकार होते हैं, क्योंकि शिकार भी क्या है? एक अवगुण माना गया है। इस शिकार के द्वारा अनेक जीव जंतुओं की हत्या होती है, और अनेक जीव जंतुओं की हत्या होती है, इसलिए इस शिकार को भी क्या है? एक अवगुण माना है, और एक अवगुण है फिर भी क्या है? अगर राजा शिकार खेलने जाता है तो वे जो लोग हैं जो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं वे क्या कहते हैं? कि ये तो क्या है? श्रम, ये तो परिश्रम है, क्योंकि जो अवगुण होते हैं उनको किसमें बदल देते हैं? गुणों में। क्यों बदल देते हैं? क्योंकि उनको अपना कार्य सिद्ध करना है। तो क्या कहा? मृगयाम श्रमिति, जो मृगया होती है, जो शिकार होती है, उसको क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। और पानम विलासिति, अगर राजा मदिरा पान करता है, अन्य कोई मदयुक्त सामग्री का प्रयोग करता है, तो वो क्या कहते हैं? विलासिति, ये तो आनंद है। जबकि यह एक अवगुण है मदरा पान आदि करना, लेकिन क्या है? राजा अगर मदरा पान करता है तो वो क्या कहते हैं? विलासिति, ये तो क्या है? विलास है, आनंद है। और देखिए प्रमत्तम शौर्यमिति, कि प्रमत्तम, प्रमत्तम कहते हैं असावधानी, अगर राजा असावधान हो जाता है, और असावधान हो जाता है तो फिर क्या है? क्या कहते हैं वे? प्रमत्तम इति, सॉरी प्रमत्ताम शौर्यम इति, अगर राजा असावधान है, राजा अपनी अपने किसी भी कार्य को सावधानी से नहीं करता है, तो वे क्या कहते हैं? राजा वीर है, उसको कोई किसी की परेशानी नहीं है, उसको किसी से कोई डर नहीं है, तो ये असावधानी है, उसको किसमें बदल देते हैं वे? वीरता में। और स्वदार परित्यागम, कि अगर राजा अपनी पत्नी का परित्याग कर देता है, अपनी पत्नी को त्याग देता है, क्या कहा? स्वदार परित्यागम, कि अगर राजा अपनी पत्नी का परित्याग कर दे, अभ्यसनता इति, तो वे क्या कहते हैं? राजा ने वैराग्य धारण कर लिया है, अभ्यसनी है राजा। क्या कहा? स्वदार परित्यागम, कि अगर राजा अपनी पत्नी का त्याग कर देता है तो वो क्या कह देते हैं? अव्यसनता इति, कि राजा व्यसनी नहीं है, राजा अव्यसनी है। तो यही कहा,
जबकि अपनी पत्नी का प्रत्याग करना अनुचित माना जाता है, फिर भी अगर कोई राजा अपनी पत्नी का त्याग कर देता है तो वे जो लोग होते हैं सभा में और वे जिनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, वे लोग क्या करते हैं, उस राजा के अवगुण को गुण में बदल देते हैं। जैसे स्वदार प्रत्यागम अव्यसनता इति, कि अगर राजा अपनी पत्नी का प्रत्याग कर देता है तो वे लोग क्या कहते हैं, ये तो अव्यसनता है, अर्थात जो राजा है वह तो वैरागी है, उसको पत्नी आदि में कोई भी आसक्ति नहीं है। फिर देखिए गुरु वचन अवधीर्णम, कि अगर कोई राजा गुरु वचन अवधीर्णम, कि अगर कोई राजा अपने गुरु के वचनों का तिरस्कार करता है, गुरु वचन अवधीर्णम, कि अगर कोई राजा अपने गुरु के वचनों का तिरस्कार करता है तो वे क्या कहते हैं, अपरप्रणेयत्वमिति, कि जो महाराज हैं वे किसी की प्रेरणा नहीं मानते हैं। क्या कहते हैं, गुरु वचन अवधीर्णम, अगर गुरु के वचनों का तिरस्कार होता है, अगर कोई राजा गुरु के वचनों को नहीं मानता है तो जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाले हैं वे व्यक्ति क्या कहते हैं, कि महाराज किसी दूसरे से प्रेरणा नहीं लेते हैं, महाराज किसी दूसरे की बात को नहीं मानते हैं। और देखिए अजित भ्रत्यताम, अजित भ्रत्यताम कहते हैं जब राजा का प्रभाव अपने सेवकों पर नहीं हो, अर्थात जो सेवक है राजा की आज्ञा नहीं मानते हो। क्या कहा, अजित भ्रत्यताम, कि अगर राजा की बात सेवक नहीं मानते हैं तो वे लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं वे क्या कहते हैं, सुखोपसेव्यत्वमिति, कि महाराज तो सुख पूर्वक सेवा करवाते हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं डालते, जबकि यह अवगुण अवगुण है, सेवक क्या है अपने बस में होने चाहिए। तो ये क्या कहता है, अजित भ्रत्यताम, कि अगर किसी ने सेवकों को जीत नहीं रखा है, किसी राजा के बस में अगर उसके सेवक नहीं है तो वे लोग क्या कहते हैं, उसके अवगुण को भी गुणों में बदल देते हैं और क्या कहते हैं, सुखोपसेव्यत्वम इति, कि महाराज तो क्या है सुखपूर्वक सेवा करवाते हैं। और देखिए नृत्य गीत वाद्य वेश्या अभिशक्ति, कि नृत्य गीत वाद्य वेश्या अभिशक्ति, कि अगर राजा नृत्य गीत वाद्य आदि और वेश्याओं में अगर अनुरक्त रहता है तो फिर क्या कहते हैं वे, रसिकता इति, कि महाराज क्या है रसिक हैं, सहृदय हैं। नृत्य गीत वाद्य और वेश्या आदि का अभिगम अवशक्ति आसक्ति ये क्या माने जाते हैं, राजाओं के लिए निषिद्ध होते हैं, किंतु अगर कोई भी राजा ऐसा होता है कि जो जिसके नृत्य में गीत में वाद्य में वेश्या आदि में जिसकी अभिशक्ति है आसक्ति है, तो ये जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं वे व्यक्ति क्या कहते हैं, कि रसिकता इति, महाराज तो सहृदय हैं रसिक हैं, जबकि यह क्या है एक अवगुण है। और महाअपराधान अकर्णनम, महाअपराधान अकर्णनम, अगर कोई राजा बड़े बड़े अपराधों को नहीं सुनता है, क्या कहा, महाअपराधान अकर्णनम, कि अगर कोई राजा बड़े बड़े अपराधों को नहीं सुनता है, महानुभावता इति, इसको क्या कहते हैं, महानुभावता कहते हैं, क्या कहते हैं, महापराधान अकर्णनम, महानुभावता इति, कि अगर कोई राजा महान अपराधों को नहीं सुनता है, अनसुना कर देता है, या फिर उसके राज्य में बड़े बड़े अपराध होते हैं किंतु अगर कोई राजा उन अपराधों के विषय में नहीं सुनता है तो क्या होता है, देखिए कि महानुभावता इति, वे क्या कहते हैं, कि वह महाराज तो महानुभाव है इसलिए महाराज ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। और फिर देखिए क्या कहते हैं, परिभव सहत्वम क्षमा इति, परिभव कहते हैं तिरस्कार को, अगर कोई राजा अपने तिरस्कार को सहन कर जाता है, क्योंकि राजा का तिरस्कार होना एक अवगुण है, किंतु
ये जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, क्षमाएं थे महाराज, तो दयालु हैं महाराज, तो क्षमा कर देते हैं। क्या कहा कि परिभव साहब तुम क्षमाएं थे, कि अगर राजा का तिरस्कार हो जाता है और राजा अगर उसको सहन करता है तो फिर इसको क्या कहते हैं, क्षमाएं थे कि महाराज तो क्या है, दयालु हैं। और स्वच्छंदता प्रभुत्वम इति, कि अगर राजा स्वच्छंद है, एक तो स्वतंत्रता होती है और एक स्वच्छंदता होती है, तो स्वतंत्रता तो हम उसको कहते हैं जब हम अपने अधिकार के साथ दूसरे का भी अधिकार याद रखते हैं तो होती है स्वतंत्रता। और स्वच्छंदता क्या होती है, स्वच्छंदता हम उसको कहते हैं जब हम केवल अपना ही अधिकार याद रखते हैं, हम दूसरे के अधिकार के विषय में नहीं सोचते हैं, उसको कहते हैं हम स्वच्छंदता। तो अगर राजा कोई भी ऐसा कार्य करता है स्वच्छंदता का तो वे क्या कहते हैं, प्रभुत्व है, महाराज हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहा, स्वच्छंदताम प्रभुत्वम इति, अगर महाराज कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो स्वच्छंदता का है तो वे क्या कह देते हैं, प्रभुत्वम इति, कि यह तो प्रभुत्व है। और फिर देखिए देव अवमाननम, देव अवमाननम, अगर वह राजा देवताओं का तिरस्कार करता है, देवताओं की अवमानना करता है, देवताओं को अगर नहीं मानता है तो महासत्वता इति, तो उसको क्या कहते हैं, महाराज महासत्व वाले हैं, महान बलशाली हैं, तो महाराज किसी की बात नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, महाराज ही सबसे बड़े देव हैं। तो क्या था, देव अवमाननम महासत्वता इति, कि अगर वह देवताओं का तिरस्कार करता है और देवताओं का अगर तिरस्कार करता है राजा, तो वे क्या कह देते हैं कि वह जो राजा है वह दूसरों की बात नहीं मानता है, और इस प्रकार से वे कह देते हैं। देखिए और देखिए बंदी जन ख्यातिम यस इति, कि अगर बंदी जन राजा की ख्याति करते हैं और बंदी जन अगर राजा की ख्याति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, यस। क्यों, क्योंकि बंदी जनों से तो कोई भी ख्याति करवा सकता है, वे तो उसके यहां बंदी हैं, किंतु वे क्या कह देते हैं, यह तो यश है। और तरलतां उत्साहिति, अगर राजा का व्यवहार तरलता युक्त है, अगर राजा के व्यवहार में चंचलता है, तो वो क्या कहते हैं, राजा के चंचलता को भी क्या कह देते हैं, उत्साहिति, कि यह तो राजा का क्या है, उत्साह है, इस प्रकार से कह देते हैं। जबकि इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये जो सब है वो क्या होता है, अनुचित होता है, और अनुचित होता है। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई यूं कहे कि ये जो राजा का कार्य है वह उचित है, तो वो गलत होता है। तो क्या कहते हैं कि देखिए क्या कहते हैं कि बंदीजन ख्यातिम, कि जो बंदीजनों द्वारा ख्याति की जाती है, जो प्रशंसा की जाती है राजा की, तो वो क्या कह देते हैं, यसेति, ये तो राजा की ख्याति है, यस है, तब कर रहे हैं। और तरलताम उत्साहिति, और अगर राजा का व्यवहार चंचलता युक्त है तो वो क्या कह देते हैं, ये तो उत्साह है। और अविशेषज्ञताम अपक्षपातित्वम इति, कि अगर राजा अविशेषज्ञ है, राजा अगर किसी चीज को अच्छी तरह से नहीं जानता है, तो क्या कहते हैं, तरलताम, सॉरी,
अविशेषज्ञताम अपक्षपातित्वम इति, कि अगर राजा अविशेषज्ञ है, अविशेषज्ञ का तात्पर्य है किसी चीज का अगर विशेष रूप से राजा ज्ञान नहीं रखता है तो दोषान अपि सॉरी तो अपक्षपातित्वम इति, तो वे जो व्यक्ति हैं वे क्या कहते हैं कि महाराज अपक्षपाती हैं, महाराज किसी के साथ पक्षपात का व्यवहार नहीं करते हैं। क्या कहा? अविशेषज्ञताम अपक्षपातित्वम इति, कि राजा की अविशेषज्ञता को, अज्ञानता को, यानी विशेष रूप से किसी चीज का अगर ज्ञान नहीं है राजा को तो वे क्या कह देते हैं, महाराज पक्षपात नहीं करते हैं। और दोषान अपि, दोषों को भी, दोषान अपि दोषों को भी गुण पक्षम अध्यारोपयद्भिः, कि गुण पक्ष में अध्यारोपित करने वालों के द्वारा, तृतीय बहुवचन है, कि दोषान अपि दोषों को भी गुण पक्षम अध्यारोपयद्भिः, गुण पक्ष में अध्यारोपित करने वालों के द्वारा अंतः अपने अंतः मन में अपने हृदय में स्वयं अपि अपने आप ही व्यसत भी हस्ते हों के द्वारा, वे क्या करते हैं कि वो जो राजा होते हैं उनके अवगुणों को गुणों में बदल देते हैं और गुणों में बदल करके फिर अपने अंतः मन से ही स्वयं अंदर ही अंदर हंसते हैं। और प्रतारण कुशलय, कि जो प्रताड़ित करने में कुशल होते हैं ऐसों के द्वारा, धूर्तय ऐसे धूर्तों के द्वारा, अमानुषोचिताभिः अमानुषोचिताभिः, जो मनुष्य के अनुचित होती हैं, जो मनुष्य में नहीं होती हैं, ऐसी स्तुति भी स्तुतियों के द्वारा प्रतार्यमाणा पीड़ित किए जाते हुए, क्या कह रहे हैं सुकना चंद्रापीड़ से, कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं वे क्या करते हैं, जो राजा लोग होते हैं उनके दोषों को गुणों में बदल देते हैं और दोषों को गुणों में बदलने के बाद फिर वे क्या करते हैं, दोषों को गुणों में बदल देते हैं और अपने अंदर ही अंदर हंसते हैं और उन राजाओं की ऐसी स्तुति करते हैं जो अमानुषोचित होती है, जो मनुष्य के लिए उचित ही नहीं होती है, ऐसी स्तुति करते हैं वे, क्योंकि मनुष्य में जो चीज नहीं होती है उनका भी वर्णन उस राजा में कर देते हैं, क्योंकि राजा तो क्या होता है, मनुष्य होता है, और मनुष्य होता है तो वे ऐसा वर्णन उस राजा का करते हैं जो मनुष्यों के लिए उचित ही नहीं है। और फिर देखिए प्रतार्यमाणा उसको पीड़ित किए जाते हुए, वित्त मद मत चित्त, क्या कहा, वित्त मद मत चित्त अनिश्चेतनतया, के वित्त के कारण से, धन के कारण से मद मत चित्त वाले और अनिश्चेतनतया जो निश्चिंत नहीं रहते हैं ऐसों के द्वारा, तथैव इति आरोपित, तथैव माने वैसे ही, इति इस प्रकार से आरोपित अलीक अभिमाना, के इस आरोप से बिना ही लीक के अभिमान वाले मर्त्य धर्माणु अपि, मृत्यु लोक के प्राणी होने पर भी दिव्यांश अवतीर्णम एव, कि जैसे उनमें देवताओं का अंश उत्पन्न हो गया है, दिव्यांश अवतीर्णम एव, कि जैसे उनमें देवताओं का अंश उत्पन्न हो गया है उसके समान, सदैवतम एव देवता के समान, अति मानुषम आत्मानम उत्प्रेक्षमाणाः, कि वे जो राजा हैं वे अपने आप को मनुष्यों से अधिक उत्प्रेक्षा करते हुए मानते हुए, प्रारब्ध दिव्योचित चेष्ट अनुभावा, कि वे अपने अंदर देवताओं के लिए जो उचित चेष्टा होती हैं उनका अनुभव करते हैं, और सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, और सभी मनुष्यों के द्वारा उपहास को हंसी को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे जो व्यक्ति हैं उस राजा की ऐसी स्तुति करते हैं कि राजा कभी एहसास ही नहीं कर पाते हैं कि राजा में भी गुण हैं या नहीं है, फिर राजा को ऐसा लगने लगता है कि मैं तो देवता के समान हूं और मैं तो देवता ही हूं, और
इस प्रकार से जब वह राजा समझने लगता है तो क्या होता है, उस राजा की हंसी होती है। और देखिए आत्म विडम्बना अंच अनुजीविना जनेन क्रियमाणा अभिनंदन्ति, कि आत्म विडम्बनांच और आत्म विडम्बना के द्वारा अनुजीवी जो उसके ऊपर जीवित रहते हैं उनके द्वारा वे जो राजा लोग हैं प्रशंसा करते हैं, अभिनय करते हैं। देखिए एक बार पुनः देख लीजिए क्या कहते हैं कि केवल अपने ही प्रयोजन को पूरा करने के फेर में लग रहने वाले संपत्ति रूपी मांस को खाने में गीद के समान, रास सवार रूपी कमल वन में बगुले के समान बने हुए धूर्त लोग कुछ राजाओं को इस प्रकार समझते हैं कि जुआ खेलना मनोरंजन है, दूसरों की स्त्रियों के साथ सहवास करना चतुराई है, शिकार खेलना श्रम है, शराब पीना विलासिता है, मतवालापन वीरता है, अपनी पत्नी को छोड़ देना विराग है, गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन करना स्वतंत्रता है, वास्तविक अपराध करने वाले नौकरों को भी छूट देते रहना सुखपूर्वक सेवा करवाना है, नृत्य गीत आदि में और वैश्य आदि में अनुरक्त रहना रसिकता है, बड़े बड़े अपराधों को नहीं सुनना सहृदयता उदारता है, अपमान करना शक्तिमत्ता है, और बंदीजनों से ख्याति करवाना यश है, और चित्त की चपलता उमंग है, सामान्य एवं विशेष की विवेचना नहीं करना पक्षपातहीनता है, और इस प्रकार दोषों को भी गुणों में दिखाकर मन ही मन उन पर राजाओं पर हंसते हुए धोखे में होशियार चालबाज झूठी तारीफ का पुल बांधकर राजाओं को धोखा देते हैं, और पूर्वोक्त विधि से धूर्त लोगों के द्वारा समझाए जाने पर राजा लोग धन के अहंकार से मदमत्त हो जाते हैं और अज्ञानता के कारण उन सभी को सच मानकर अपने में मिथ्याभिमान का आरोप करते हैं। मनुष्य के जन्म मरण आदि लक्षणों से युक्त होकर भी अपने को देवताओं के अंश से उत्पन्न, देवताओं से अधिष्ठित और अलौकिक मानते हैं। इस प्रकार देव युक्त शौर्य आदि नाटक से अपनी महत्ता को प्रदर्शित करने वाले राजा लोग उपहास के विषय बन जाते हैं, और वे राजा अपने में ही नहीं रहने वाले सभी गुणों का अभिनय करने वाले परिजनों के नाटक की प्रशंसा करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, इसमें विशेष लिखेंगे, और विशेष जब लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे नंबर एक डाल के रूपक अलंकार है, दूसरा लिखेंगे क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार है, और फिर उसके बाद आप लिख देंगे इसके व्याकरण टिप्पणी। और जो व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों, व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे, देखिए व्याकरण टिप्पणी आप छांट लेंगे अपनी पुस्तक में से, और व्याकरण टिप्पणी लिखने के बाद फिर आपकी व्याख्या पूर्ण हो जाएगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।